हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग आर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता राज आज आपके लिए ये कि जेंट्स स्वेटर का जो है ये पैटर्न लेकर आई हूँ, सिंगल कलर में। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हो और इसे लाइट और डार्क किसी भी कलर में आप इसे बना सकते हो। और ये 4 रोज़ का जो आपका ये पैटर्न है और 2 के मल्टीपल में आपने इसमें फंदे डालने हैं। आइए शुरू करें। शुरू करने के लिए राइट साइड से पहली सिलाई आपने सारी सिलाई जो है सीधी बनानी है। एक फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए, मेरा पैटर्न जो समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राइट साइड से पहली सिलाई सीधी बनानी है। ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, सीधी सिलाई बनाई है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, उल्टी तरफ से क्या करना है आपने। अब ये जो पैटर्न जो है हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा, तो उल्टी तरफ से हमने ये पैटर्न डालना है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 1 और 2, इन 2 फंदों के साइड से इस तरह से 1 और 2 के बीच में से नहीं, इनके दोनों के साइड से एक लूप बना लेना है। इस तरह से एक लॉन्ग लूप बन जाएगा, आपका एक लूप तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने इस धागे को पीछे की तरफ इसे आगे करेंगे अपनी तरफ, और फिर इसे क्लॉकवाइज फिर घुमाएंगे, सिलाई के ऊपर से लपेटेंगे, और आगे के ये दो दो फंदे हैं इन्हें 2 का 1 करेंगे बैक साइड से ऐसे, और इन दोनों फंदों को सिलाई से निकाल देंगे। पूरा पैटर्न आपने इसी तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, 1 और 2, इन 2 फंदों के साइड से एक फंदा आपने सीधा बनाना है, उल्टी तरफ से सीधी सिलाई। फिर आपने इस धागे को अपनी तरफ लेके आना है, और फिर इसे क्लॉकवाइज जो आपने है धागे को सिलाई पर लपेट लेना है, और आगे के 2 फंदों का 1 बना लेना है। इसी तरह से आपने पूरी सिलाई को रिपीट कर बना लेना है। 2 फंदों के साइड से एक फंदा उठाएंगे, लॉन्ग लूप बनाएंगे, इस लूप को थोड़ा है लूज रखना है। फिर धागे को पीछे से आगे की तरफ अपनी तरफ लेके आएंगे, और क्लॉकवाइज फिर इसे सिलाई पे फिर लपेटेंगे, क्योंकि हमें यह फंदा बढ़ाना है। आगे हम जो है 2 फंदों का 1 कर रहे हैं, तो ये हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे। 2 से ये 3 फंदे बन रहे हैं। फिर आपने वही प्रोसीजर रखना है, 2 फंदों के साइड से एक लूप बना लेना है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस तरह धागे को सिलाई पर लपेटेंगे, और 2 फंदों का बैक साइड से 1 बनाएंगे। ये थोड़ा सा टाइट लगेगा, लेकिन अगली सिलाई में ये आपका ये ठीक हो जाएगा। 2 फंदों में से 1 फंदा बनाएंगे, लूप लेंगे 2 फंदों के साइड से, धागे को इस तरह से अपनी तरफ लपेटेंगे, और ये 2 फंदों का बैक साइड से 1 बनाएंगे। ये पूरी सिलाई मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लास्ट पे आ गया। 2 फंदों के साइड से 1 लूप बनाऊंगी, धागे को अपनी तरफ करूंगी, फिर इसे क्लॉकवाइज लपेटूंगी, और इन 2 फंदों का बैक साइड से 1 बना लेंगे, और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से आपने ये उल्टी तरफ से ये बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3-3 का जो है हमारा ये ग्रुप बन गया है। अब हमने राइट साइड तीसरी सिलाई जो है हमारी, इसमें आपने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब ये जो 3-4 फंदे हैं, इसमें से आपने क्या करना है, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, और ये जो बल दिया हुआ फंदा है इसे हमने खोल लेना है। इस तरह से स्लिप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे, और जो स्लिप किया हुआ फंदा था इसे हम
इसके ऊपर से निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, तो हमने ये तीन फंदों से दो फंदे ही बनाने हैं। बस इसी तरह से आपने ये करना है, पहले फंदे को बुनेंगे और जो बल दिया हुआ फंदा था उससे स्लिप कर लेंगे, बिना बुना उतारेंगे, फिर अगले फंदे को बुन लेंगे और ये स्लिप किए हुए को इस फंदे के ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये निकल जाएगा। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है, पहले फंदे को बुनना है, दूसरे फंदे को स्लिप कर लेना है, तीसरे फंदे को बुनना है और ये दूसरे फंदे को स्लिप किए हुए को इसके ऊपर से निकाल देना है। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है जो हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को बुनेंगे, अगले वाले फंदे को खोलेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और दूसरे फंदे को तीसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। बस दो ही सिलाइयों का ये आपका पैटर्न है, बाकी आपकी दो सिलाई जो हैं प्लेन है। देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा बुनेंगे, दूसरे को स्लिप करेंगे, तीसरे को बुनेंगे और स्लिप किए हुए को तीसरे फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दूसरे को स्लिप करेंगे, तीसरे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए को इसके ऊपर से निकाल देंगे। पहला फंदा बुना, दूसरे को स्लिप किया, तीसरे को बुना और स्लिप किए हुए को इसके ऊपर से निकाल देंगे। पहला फंदा बुनेंगे, बीच वाले को स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को बुनेंगे और स्लिप किए हुए को बुने फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है और लास्ट के फंदे को सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो है ये हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। अब ये तीसरी और चौथी सिलाई जो है हमारी सीधी उल्टी तरफ से, आपने चौथी सिलाई जो है उल्टी बुननी है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे पूरे कार्डिगन में ना डालकर, पूरे स्वेटर में ना डालकर आप इसका जो है बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बॉर्डर में भी ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। लेडीज़ कार्डिगन के बॉर्डर में आप इसे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है पैटर्न चार सिलाइयों का बनकर तैयार हो गया है। अब आपने एक शुरू करना है, पहले एक सीधी सिलाई, एक सिलाई सीधी बुनी जाएगी, एक उल्टी, फिर आपने ये दो सिलाइयाँ उल्टी सिलाई पे जो आपने है पैटर्न रिपीट करना है। उल्टी सिलाई पे पैटर्न कैसे करोगे आप, ये जो मैंने पहले आपको पहली सिलाई बताई थी उल्टी तरफ से, एक फंदे को स्लिप करेंगे और ये पहले और दूसरे फंदे के साइड से हमने ये लूप बना लेना है और फिर धागे को लपेटना है और दो का एक बैक साइड से करना है। पूरी सिलाई आपने बैक साइड से ऐसे ही रिपीट करनी है। फिर आप फ्रंट साइड आओगे, तो फ्रंट साइड में क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करोगे, एक फंदा बुनोगे, बीच में स्लिप करोगे, तीसरे को बुनोगे, जो फंदा आपने स्लिप किया वो इस फंदे के ऊपर से निकाल देना है। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है, उल्टी सिलाई उल्टी। ये चार सिलाइयों का पैटर्न आपका जो है बनकर इस तरह से तैयार होता चला जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।